हाय फ्रेंड्स, आई एम सुशील और वेलकम टू माय चैनल एवरीथिंग वायरल। आज हम बात करने वाले हैं फ़ोन इनफोकस टर्बो 5 के बारे में। इस फ़ोन की खासियत है कि इसमें आपको मिलता है 5000 mAh की बैटरी, मतलब आपको दो दिन तक देखने की ज़रूरत नहीं बैटरी, एक बार चार्जिंग किया तो एटलीस्ट दो दिन तो चलता ही। साथ में आपको दिया है 10 W का एक रैपिड चार्जर, ऐसा कंपनी बोल रही है। बट लेट्स सी, 4 July को ये फ़ोन लॉन्च होने वाला है और आपको एक्सक्लूसिवली मिलेगा ये अमेज़ॉन पे। सो इसी स्पेसिफिकेशन के बारे में अगर बात करते हैं तो इसमें आपको मिलता है 1.3 GHz का मीडियाटेक का 6MT6737 क्वाड कोर प्रोसेसर। काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है इस प्राइस रेंज में, क्योंकि ये फ़ोन लॉन्च हुआ है सिर्फ 6999 के रेंज में, जिसमें आपको साथ में मिल रही है 2 GB की रैम और 16 GB की इंटरनल मेमोरी। जबकि इसमें एक और वर्जन है 7999 का, जिसमें आपको मिलेगा 3 GB की रैम और 32 GB की इंटरनल मेमोरी। हाँ, आपको एक यहाँ पे मेमोरी कार्ड स्लॉट नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे हाइब्रिड सिम स्लॉट ही मिलेगा और दोनों ही सिम यहाँ पे नैनो सिम रहेगी। फ़ोन 4G LTE एनेबल्ड है, साथ में ये काम करता है लेटेस्ट एंड्रॉयड 7.0 वर्जन पे, ठीक है। और इस फ़ोन की खासियत ये है कि इसमें 5000 mAh की बैटरी, लेकिन फ़ोन काफ़ी लाइट है, मतलब जस्ट जैसे 9 mm थिक है और जस्ट 163 grams इन वेट है, ठीक है। और इसमें आपको मिलता है एक 13 MP का बैक कैमरा विथ LED फ्लैश, फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो बिल्कुल कैमरे के नीचे में है और कैमरा काफ़ी अच्छा है 13 MP के अगर देखा जाए तो। और साथ में आपको मिलता है 5 MP का फ्रंट शूटर विथ LED फ्लैश एंड ऑल्सो आपको यहाँ पे मिलता है एक वाइड एंगल लेंस। तो इस प्राइस रेंज में मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है और साथ में 5000 mAh की बैटरी देने वाला, तो मुझे नहीं लगता कि इस प्राइस रेंज में और कोई फ़ोन है। मोटो E4 Plus लॉन्च होने वाला है, बट उसके भी शायद मेरे ख्याल से प्राइस रेंज काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है, बट इस प्राइस रेंज में आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन। सो गाइस, डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये एक मस्ट बाय फ़ोन है। और हाँ, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको लेके आऊँगा आगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ।